अब वो दूसरे प्लेयर्स की तरफ लगातार रुख करते नजर, वो नाम रहेगा सू, और ये लीजिए आदित्य मित्तल M416 2X स्कोप लगाकर यहाँ पर जो है ना करना चाहेंगे, समापन की तरफ लेकर जाना चाहेंगे, क्योंकि नदन वेस्टर्न साइड से बात करें तो ऑलरेडी हमको टीम इनसेन के प्लेयर्स करीब आते नजर आ रहे हैं। जेली डाउन है, टीम मेडल ईस्पोर्ट सामने यहाँ पे पर जो है खड़े हैं। मुकाबले की बात करें तो जी गॉड और जो मैक है वो भी, हालांकि हमको जो है थोड़ी देर हम पहले इवेंट्स में देखते हैं ओआर मैक देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी के लिए खेल टीम गॉड लाइक के साथ रहे, लेकिन जिस प्रकार से स्वागत यहाँ पर जो है करा गया है समस्या बहुत ज्यादा, हालांकि देखिए बढ़ाई जा रही है और जैसी काफी देर की यहाँ पे स्टन में यहाँ पर जो है फंसते नजर आए। जी गॉड की एचपी हालांकि बहुत ज्यादा कम है, बट उनको पता है कि यहाँ पर मौका मिलेगा, बट आदित्य ने सिंगल हैंड यहाँ पर बैक एंड साइड से मैक के सपोर्ट लेकर अभी तक जिस तरीके से टीम इनसेन को यहाँ पर शांत करा रखा है, उसी में यहाँ पर टीम गॉडलाइक की जीत देखने को मिल रही है। और लग रहा है कि टीम इनसेन यहाँ से जो है इस मुकाबले से आई जिस प्रकार से थी बाहर होती जरूर नजर आ सकती है। जेजी को भी शांत करा दिया जाएगा और आदित्य नजर आएंगे, और अब आदित्य रश इन करने के लिए तैयार है और टीम गॉडलाइक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई देखते ही देखते जो हालात है वो दोबारा से ये टीम जो है वो बदलती नजर आ रही है और फंसाती हुई नजर आ रही है अपने इस माया जाल में टीम मेडल ईस्पोर्ट्स को। बैक टू बैक यहां पर जो कुछ स्क्वाड वाइप्स करने के बाद ये टीम रुकने का नाम नहीं थी, लेकिन बट ये ग्रेनेड आएगा उसके बाद जो की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आएंगे, वो बैक के इनसाइड से थर्ड पार्टी देखने को मिलेगी जरूर। मैं कभी भी